जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा YouTube चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जिनका मेन पेपर ISC में बायोलॉजी है, उनके लिए कुछ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है जो 2024 में या जो 2024 के एग्जाम में आने की क्या है संभावना है, वो भी 110%। तो इसके पहले जो है एक और वीडियो आप सबके लिए हमारे YouTube चैनल पे डाला गया है, अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आज हम लोग ये वीडियो के माध्यम से दूसरा पार्ट को देखेंगे और इसमें भी वैसे प्रश्न को मैंने आप लोगों के लिए लाया है आंसर के साथ, फुल्ली डिस्कशन के साथ, जो आपके 2024 के एग्जाम में 110% जो है लड़ने की क्या है संभावना है। तो आइए आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न को हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए आज के कल के क्लास में, कल के वीडियो में हम लोग 3 प्रश्न को देखे थे और चौथे क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्लोन या एक पुंजक किसे कहते हैं, है ना, क्लोन या एक पुंजक किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े भी होंगे कि क्लोन या एक पुंजक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोन या एक पुंजक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, है ना, एकदम आसान तरीके में देना है। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न लेने वाले, है ना, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न लेने वाले जीव क्लोन या एक पुंजक कहलाते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को या उत्पन्न लेने वाले जीव को हम लोग क्लोन या एक पुंजक कहते हैं, जो अपने जनक के शारीरिक एवं अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो क्या पूछा जाएगा आपसे क्लोन या एक पुंजक किसे कहते हैं, तो आप एकदम आसान भाषा में लिखिए कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न, है ना, उत्पन्न लेने वाले जीव को क्लोन या एक पुंजक कहते हैं और वो जीव जो है अपने जनक के अनुवांशिक एवं शारीरिक रूप से क्या होता है, समान होता है। इसी तरह से अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, तो अगला प्रश्न है निषेचन क्या है इसके प्रकार को बताएं, निषेचन क्या है इसके प्रकार को बताएं। तो इसका भी परिभाषा आप कई अलग अलग तरीकों से पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन यहां हम लोग एक सरल एवं सिंपल तरीके से देखेंगे। तो निषेचन का मतलब होता है कि जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होता है, है ना, वही हमने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है यहाँ पे कि नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, सबसे पहला है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। अगर हम लोग आंतरिक निषेचन की बात करते हैं तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब निषेचन की क्रिया जो है जीवों के शरीर के अंदर संपन्न होता हो, जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के अंदर संपन्न होता हो तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय भैंस बकरी, ये सब में आंतरिक निषेचन होता है। उसी तरह से बाह्य निषेचन की हम लोग बात करेंगे, तो वैसा निषेचन, है ना, या वैसा निषेचन की क्रिया जो जीवों के शरीर के बाहर संपन्न होता हो, यानी कि निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के बाहर संपन्न होता हो तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, मछली में आप स्टार फिश को ले लीजिए, इस सब में कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। अब आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हमने क्या सिलेक्ट किया है 2 नंबर के लिए, अंड प्रजक एवं सजीव प्रजक क्या है,
अंड प्रजक एवं सजीव प्रजक क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अंड प्रजक की बात करेंगे, है ना। तो अंड प्रजक का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अंडे के अस्फुटन से विकसित होते हैं, वैसा जीव जो अंडे के अस्फुटन से विकसित होते हैं उसे हम लोग अंड प्रजक जीव कहते हैं। जैसे हम लोग मुर्गी की बात करेंगे, सांप की बात करेंगे, छिपकली की बात करेंगे, मगरमच्छ की बात करेंगे, तो ये सब जितना भी है ये सब अंड प्रजक जीव है, जो अंडे के अस्फुटन है ना के माध्यम से ये विकसित होते हैं। तो क्या पूछेगा, अंड प्रजक क्या है? तो लिखना है वैसा जीव जो अंडे के अस्फुटन से विकसित होते हैं उसे अंड प्रजक जीव कहते हैं, जैसे मुर्गी, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। सजीव प्रजक क्या है? तो वैसा जीव जो संतान की उत्पत्ति करते हैं, वैसा जीव जो संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब के सब क्या है, सजीव प्रजक है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मद चक्र एवं ऋतु स्राव चक्र क्या है? सबसे पहले हम लोग मद चक्र बात करेंगे कि मद चक्र अगर आपके एग्जाम में पूछ दे आपसे तो क्या लिखेंगे। तो मद चक्र का परिभाषा क्या होगा, यानी कि जब कोई जीव किसी खास मौसम या महीने में संयोग करते हैं, जब कोई जीव किसी खास मौसम या महीने में संयोग करते हैं तो वह मद चक्र कहलाता है। इस प्रक्रिया में जीव के जनन अंग से कुछ रसायन मेनोफेरस का स्राव होता है, जिससे नर और मादा एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मद चक्र। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, है ना, बकरी, ये सब में क्या होता है, मद चक्र होता है। अगला क्वेश्चन, ऋतु स्राव चक्र क्या है, पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे। तो सिंपल वे में लिखेंगे कि जीवों के जनन अंग में कुछ चक्रीय प्रक्रियाएं संपन्न होती है, जीवों के जनन अंग में कुछ चक्रीय प्रक्रियाएं संपन्न होती है जो 28 दिनों के अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है, उसे ऋतु स्राव चक्र कहते हैं। जैसे मनुष्य, चिंपैंजी और बंदर, मनुष्य, चिंपैंजी और बंदर, ये सभी में ऋतु स्राव चक्र होता है। और एक अगला प्रश्न जो है वो आप सबके लिए, यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर छापिएगा। वायु प्रागन किसे कहते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वायु प्रागन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप सबके लिए, यदि इसका आंसर आप जानते हैं तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसको छापिएगा। और इसके साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका कमेंट करना ना भूलें, है ना। तो इसी तरह से आगे आपको पार्ट बाय पार्ट हम बना के, है ना, इसी तरह से प्रोवाइड करते रहेंगे एग्जाम तक, एग्जाम के समय तक, जो आपके 2024 के होने वाले एग्जाम में या आने वाले जो प्रश्न रहेगा वो 100% लड़ने की क्या है, गारंटी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।